नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा। देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। इस खबर के प्रायोजक हैं पूर्वांचल मशीनरी एजेंसीज वर्मा टावर नरौली, तनिष्क शोरूम के नीचे आजमगढ़। प्रोप्राइटर हैं अशोक वर्मा और मोबाइल नंबर है 9415207728। आजमगढ़ में समाजवादी पार्टी के कट्टर नेता लालजीत क्रांतिकारी ने आज एक बार फिर पूर्वांचल एक्सप्रेस वे को लेकर के मौजूदा सरकार और मौजूदा शासन प्रशासन पर सवाल खड़े कर दिए। उन्होंने कहा है कि लखनऊ से चलकर गाजीपुर तक जाने वाले पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पर गाड़ियों की रफ्तार पर उस समय ब्रेक लग गया जब भारी बारिश के चलते सदर तहसील क्षेत्र के कोटरा और मनचोहा गाँव के पास पूर्वांचल एक्सप्रेस वे में 244 पर काफ़ी बड़ा गड्ढा हो गया, जिसके कारण पूर्वांचल एक्सप्रेसवे के एक तरफ से आवागमन बाधित हो गया। सूचना मिलते ही कार्यदायी संस्था यूपीडा कर्मी मौके पर पहुंचे और धसे स्थान की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया। इस दौरान एक्सप्रेसवे की एक लाइन से ही दोनों गाड़ियों का आवागमन हो रहा है। एक्सप्रेसवे का निर्माण कार्य 2017 में समाजवादी सरकार में मुख्यमंत्री अखिलेश जी के द्वारा इसमें के भूमि अधिग्रहण के बाद शिलान्यास किया गया था, लेकिन फिर दोबारा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा शिलान्यास किए जाने के बाद शुरू हुआ था और 19 नवंबर 2021 को नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन करने के बाद जनता को ठगने का कार्य किया गया। जनता इनके भ्रष्टाचार का उजागर लोकसभा चुनाव 2024 में हराकर करेगी, ये कहना है पूर्वांचल आजमगढ़ के समाजवादी पार्टी नेता लालजीत क्रांतिकारी का। मेरा नाम लालजीत क्रांतिकारी है, मैं समाजवादी पार्टी से हूँ और पूर्वांचल एक्सप्रेसवे में इतना भ्रष्टाचार किया गया है कि कहने की बात नहीं है। अभी पहली ही बारिश हुई कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे धंस गया, फट गया और जो है कि लोगों को आने जाने में जो हमारे इस पे यात्री हैं इतना समस्या हो रहा है, इतनी परेशानी झेल रहे हैं लोग, उन पर रोड डाइवर्ट कर दिया गया, लोग आकर के इधर उधर जा रहे हैं। यह जो धस रहा है यह घटना को अंजाम देने का एक वो है, तो इसमें मुझको लगता है कि सरकार और यूपीडा के कर्मचारी अधिकारी और इस कंपनी के लोग मिलकर के इतना भ्रष्टाचार किए हैं। यह मोदी जी और प्रधानमंत्री जी का ड्रीम प्रोजेक्ट में और योगी मुख्यमंत्री जी के ड्रीम प्रोजेक्ट में था, लेकिन ड्रीम प्रोजेक्ट होने के वक्त की वजह से भी ये लोग इसमें मिल करके यूपीडा कंपनी से इसमें इतना भ्रष्टाचार किया गया कि आज इस गति में पूर्वांचल एक्सप्रेस वे पाया जा रहा है, हर जगह टूट रहा है, हर जगह गड़बड़ हो रहा है। तो इसमें हमारी मांग है कि ऐसे लोगों के ऊपर सख्त कार्रवाई हो और हम मांग करते हैं कि सत्ता में बैठे लोग इसकी जांच कराएं, कितना कहां भ्रष्टाचार हुआ है, कौन कौन कितना पैसा खाया है और वो पैसा जनता का है, गरीबों का है, किसानों का है, मजदूरों का है, इस पैसे का दुरुपयोग ये भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने किया है। इसमें सच्चाई बताना नहीं चाहते ये लोग, जांच करवाना नहीं चाहते, ये जानते हैं कि जांच करवा देंगे तो सच सामने आ जाएगा, जनता के सामने सच आ जाएगा और जनता का पैसा ये लोग पानी की तरह बहा करके इसको लूट फरोख्त कर करके पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को ठगने का काम किया है। अभी आप चले जाइए लखनऊ तो इस पे आपको देखने मिलेगा गाड़ी बबलिंग कर रही है, आपकी कमर में निश्चित तौर पे दर्द होना है, इतना गड़बड़ ये लोग बना दिए पूर्वांचल एक्सप्रेसवे को। अखिलेश यादव जी इतना अच्छा इसका डिजाइनिंग इसका सब कुछ बनाए थे, अभी आगरा पे आप चले जाइए तो आप अगर गिलास में पानी रख के गाड़ी रख दिए तो निश्चित तौर पे वह पानी लखनऊ से आगरा तक गिरेगा नहीं, उसी गिलास में पड़ा रहेगा, लेकिन इसमें आप चले जाइए तो कमर में दर्द हो जाएगी, पानी की तो बात छोड़िए, निश्चित तौर में इसमें 100% भाजपा के लोगों ने भ्रष्टाचार किया है।